हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम और की हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पहाड़ों में एक और प्यारी सुबह हो चुकी है और स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। बढ़िया माहौल बना हुआ है, प्यारा माहौल बना हुआ है। देखिए सुबह का यह व्यू कैसा लगा, कमेंट में शेयर करिएगा। तो इस खूबसूरत व्यू के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ब्लॉग। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं चकूटा साइड पे पहुंच चुका हूं। यहां पे लैंड ओनर भी आए हुए हैं और कल से यहां पे जो कॉलम है उनकी भराई यहां पे शुरू हो चुकी है। तो कल मैं यहां पे था नहीं, शादी पे गया हुआ था, तो कल यहां पे बहुत काम हुआ है। लैंड ओनर जो हैं उनने पूजा पाठ के साथ यह काम किया हुआ है, तो देख लेते हैं कल का कुछ कार्य। तो फ्रेंड ये हम जाल यूज़ कर रहे हैं अपने इन कॉलमों में, 4x4 का जाल और डबल जाल हम यूज़ कर रहे हैं। तो ओनर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनकी अपनी मान्यताएं हैं, इनकी अपने परंपराएं हैं। वो खुद कॉलम की शुरुआत कर रहे हैं, मसाला गिरने की शुरुआत कर रहे हैं। कल रात को ही निकल गए थे लैंड ओनर और करीब यहाँ पर 9, 9:30 बजे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आज से कॉलम भराई का कार्य शुरू होने वाला है। तो खुद ओनर यहाँ पर जो भी उनकी मान्यताएँ हैं, जो भी उनकी रीति रिवाज हैं, उसके तहत अपना कार्य यहाँ पर शुभारम्भ कर रहे हैं। और जो ओनर हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने ही अपना ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया हुआ है। और जब घर बन जाएगा, फिनिश लुक आएगी, आप जुड़े रहिएगा तो बेहतरीन लुक देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना कुछ कार्य करवाना चाहते हैं, अपनी कुछ डिजाइनिंग इनसे करवाना चाहते हैं, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ में हमारा फीडबैक भी ज़रूर लीजिएगा, हम किस तरह यहाँ पर कार्य करते हैं और हमारा कार्य कैसा रहता है। तो ओनर भी आए हुए हैं, तो चले हैं अपने कार्य में। देखिए तो अपने अपने ढंग होते हैं, अपने अपने रिवाज होते हैं, अपनी मान्यताएं होती हैं। तो इनकी इस प्रकार अपनी मान्यता है, खुद शुभारंभ कर रहे हैं भगवान का नाम लेके। और साथ में हमारी पूरी टीम है, लैंड ओनर हैं, उनके पिताजी हैं और माताजी हैं। तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अच्छे ढंग से कार्य की शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो ये सब आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में बताइएगा। और मैंने जैसे भी पहले भी बताया कि अच्छे आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने ही अपना पूरा डिज़ाइन कर रखा है। तो आप भी अगर इनसे कार्य करवाना चाहते हैं, इनसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं कि कैसे पहाड़ों में काम करें, क्योंकि इन्होंने बहुत अनुभव लिया है, काफ़ी सालों से यहाँ पर आते जाते रहते हैं और काफ़ी सालों बाद इन्होंने यहाँ पर लैंड लेके अपना घर बनवा रहे हैं, तो ये आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो इनसे आप संपर्क जरूर करें अगर आपको भी इस क्षेत्र में अपना कुछ कार्य करवाना है या अपनी कुछ डिजाइनिंग करवानी है। तो कॉलम भराई तो हमारी शुरू हो चुकी है और साथ में मिस्त्री जी कर रहे हैं अभी वाइब्रेटर से मसाले को मिक्स। काफ़ी हैवी कॉलम है, 9x12 के कॉलम है और हैवी इस पर सरिया यूज़ किया हुआ है, जिंदल का सारा सरिया यूज़ किया हुआ है और बढ़िया यहाँ पर मसाला इस पर डाला जा रहा है। करीब 12 बजने वाले हैं फ्रेंड और कार्य चला हुआ है। और ये है नाशपाती का पेड़ जिसको पियर बोलते हैं इंग्लिश में, और नाशपाती भी लगी हुई है इसमें। देखिए और गर्मी भी हो ही रही है पहाड़ों पे, लेकिन जो ठंडी हवा चलती है वो गर्मी को थोड़ा शांत कर देती है, उतना महसूस नहीं होता है। बाकी लैंड ओनर भी हैं साथ में, सभी लोग यहाँ पे हैं और कॉलम जो कार्य चल रहा है, कॉलम भराई का, वो चला हुआ है। तो दोस्तों पूरा कॉलम भर के फाइनल में हम कॉलम के जड़ में कुछ इस तरह का टेपर बना रहे हैं। और देखिए कैसी लुक लगी आप लोगों को और काम कैसा हो रहा है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो इस तरीके से हम सभी कॉलम को तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। अभी करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं हूँ भटेलिया मार्केट के पास में
और जा रहे हैं ऊपर मुक्तेश्वर थाना जो हमारा मेन है तो वहाँ पर जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे पास बाहर से भी काम करने आते हैं किच्छा बरेली इन जगहों से, तो पुलिस वेरिफिकेशन सभी का कराना है तो इसलिए आए हुए हैं थाना पे। खाना खा लिया हमने भटिलिया पे वहीं भानीज रेस्टोरेंट, काफ़ी बढ़िया खाना और उचित दाम पर वहाँ पर खाना मिलता है, वेज नॉन वेज सारा खाना मिलता है। तो सामने रहा हमारा मुक्तेश्वर का मुक्तेश्वर थाना, तो चलते हैं उसके अंदर और पुलिस वेरिफिकेशन जो भी हमने करवाना है वो करते हैं। तो ये है हमारा मुक्तेश्वर थाना, तो चलते हैं इसके अंदर। भटिलिया से 1 किलोमीटर की दूरी पे है भटिलिया मार्केट। तो दोस्तों शाम का समय है और साइड पे कार्य चला हुआ है, पुलिस वेरिफिकेशन जो भी कराना था हमने करा लिया, तो फिर से पहुंच गया हूँ साइट पे। लगभग आधा घंटा रह गया है, साथ में लैंड ओनर भी हैं। लगभग 8 कॉलम हमारे यहाँ पे रेडी होने वाले हैं और जो भी कॉलम हमारा तैयार हो रहा है उसमें हम इस तरीके से टेपर बना रहे हैं। तो 8 कॉलम यहाँ पे रेडी होने वाले हैं, 4 रह जाएंगे जो कल भरे जाएंगे। पहाड़ों में समय लगता है दोस्तों, और इस तरीके का हम डबल जाल बना रहे हैं, साथ में जो भी मसाला डल रहा है उस पर वाइब्रेटर चला रहे हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाला। तो समय लगता है पहाड़ों में, सिचुएशन शहर से उल्टी होती है पहाड़ों पे। साथ में लैंड ओनर खुद हैं तो आप समझ रहे होंगे, और घोड़े भी यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं। देखिए दिन भर बढ़िया कार्य हुआ है, तो और व्यू देखिए शाम के समय में, काफ़ी बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है, काफ़ी प्यारे और शांत नज़ारे। तो फ्रेंड शाम का समय है, काम से आ चुका हूँ घर के, काम से आ चुका हूँ और घर के लिए अब जा रहा हूँ, और साथ में ये ले जा रहा हूँ गत्ते आड़ू जिसमें हम भेजते हैं हल्द्वानी के लिए, ये ला रहा हूँ मैं हॉर्टिकल्चर से यानी कि उद्यान विभाग से। तो सारा कृषि संबंधी सामान हमें वहाँ मिल जाता है, उसका कार्ड बनाना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड बनाते हैं हम, पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो वैसा कार्ड बनता है। तो इन पेटियों को ले जाता हूँ घर पर, करीब 20 गत्ते हैं तो इन पर भेजे जाएंगे बाद में आड़ू। तो घर पहुँचता हूँ और घर पहुँच के शाम के शानदार नज़ारे आप उनको दिखाता हूँ। दोस्तों शाम के 7:30 होने वाले हैं और देखिए कितना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है, मस्त व्यू देखने को मिल रहा है। आप लोगों को कैसा लगा शाम का यह व्यू कमेंट में बताइएगा। तो पहाड़ों में होने जा रही है एक और नई शाम। तो फ्रेंड ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा।